अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो अभी जो है ना दोपहर के दो तीन बजे का टाइम हो रहा है, मैं इनके लिए बना रही हूँ चाय पराठा वगैरह अंडे, क्योंकि खाना वाना मैंने कुछ नहीं पकाया है क्योंकि हमें सुबह सहरी के टाइम निकलना है। और अभी जो है ना इनको भूख लग रही थी, गैस 2 बजे आती है, तो मैंने सोचा कि चले चाय अगर कुछ बनाऊँ तो मैं इनके लिए जो है ना यही बना देती हूँ। तो अभी जो है ना मैं इनके लिए बना रही हूँ नाश्ता, और बस साथ साथ काम वगैरह हो रहा है, किसी का काम माइंड अप होगा तो फिर घर की सफाइयाँ वगैरह होंगी, वही शाम के 5 बज जाएंगे, फिर अफ्तारी होगी, अफ्तारी होगी तो फिर आपको पता है फिर क्या होगा, तबीयत सुस्त हो जाती है। तो अभी जो है ना इनको बस नाश्ता वास्ता कराते हैं और इनको वहाँ पर बिठा दूँगी, तो फिर यहाँ की सफाई वगैरह करते हैं। और दुआ कीजिएगा खैर खैरियत से हम लोग पहुँच जाएँ, 2-3 दिन से मैं इतना बिजी चल रही हूँ कि सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिल रही, बस रात में पैकिंग हो रही है और दिन में घर के काम हो रहे हैं, बस ये चल रहा है मेरा। और बाहर शॉपिंग वगैरह भी चल रही थी साथ साथ ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग तो ख़त्म हो ही गई है मेरी, मगर अब जो है ना सिर्फ घर के काम और ये पैकिंग वगैरह रह गई है। तो इनकी आप ये जो है ना ये चाय डाल रही है बच्चों के लिए, मैंने कहा हेल्प करा दो, क्योंकि जब ये आ जाती है ना तो मुझे बड़ी हेल्प आ जाती है, तो ये जो है ना बहुत अच्छे से बच्चों को कर लेती है। तो अभी जो है ना मैंने कहा कि आप जो है ना इनको नाश्ता वगैरह कराओ, मैं दूसरे काम कर देती हूँ। आज ना मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ अंडे, वो भी तवे पर, और लाइफ में फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा फ्राई पैन में बनाती हूँ, तवे पे स्मेल आ जाती है। आज मुझे इसने बोला है कि आप जो है ना बाजी बना लें, मैं इसको इतना अच्छे से धो दूंगी कि स्मेल नहीं आएगी। तो अब देखते हैं क्या स्मेल आती है कि नहीं आती तवे में से। चलें जी, ये लोग बैठ गए हैं अपना खाने पीने के लिए, इनको लग रही है बहुत ज़्यादा भूख ना। तो अब जो है ना ये देख लें, ये मेरा अंबार जो लास्ट में जो अब ये अफ्तारी के बाद ही समेटूंगी, और कहीं जाना हो ना तो फिर काम इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि बस सर में दर्द हो रहा है मेरे तो 3-4 दिन से। हाँ देखें ये शॉपर जितने ज़्यादा भरे पड़े हैं ना यहाँ पर, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ज़रा। और ये शॉपर जो मैं शॉपिंग करके आई थी ना, पहले तो मैं फेंकती गई, सारे इकट्ठे हो गए जब मेरी शॉपिंग कम्प्लीट हो गई है ना। तो उसके बाद जो है ना मैंने क्या किया कि एक एक शॉपर को खोल के ना मैंने तरीके से सारा सामान बना के रखा, और हर किसी के अलग अलग शॉपर्स बनाई हैं। और कल तक भी मैं मार्केट गई थी अफ्तार के बाद, तकरीबन 10 बजे तक मैं निकली हूँ, और थोड़ा बहुत सामान था और वो लेने गई थी, वो लिया था। और अब जो है ना लास्ट में ये शॉपर, ये सारी चीज़ें जो मैंने बना के रख दी हैं ना, तो अब ये बैग में रखूँगी। ये वाला बैग मेरा है और मेरे बच्चों का ना ये बैग हो गया, और सूटकेस जो मेरे हस्बैंड का था वो भी मैंने तैयार ऑलमोस्ट कर दिया, मगर थोड़ा बहुत उनका भी रह गया ना, वो भी करूँगी अभी मैं। ये देखें इस तरह से मैं शॉपर बनाती हूँ बच्चों के, और यानी कि जिन जिनके कपड़े होते हैं, जिनकी चीज़ें होती हैं ना, तो पूरा प्रॉपर जो है ना उनकी चूड़ियाँ, उनका मेकअप, उनके कपड़े, फासिया के कपड़े हो गए तो फासिया की शॉपर हो गई। इस तरह से मैंने सारी शॉपर्स यानी बना के रखी हैं। तो जैसे कि ये देखें ये मूसब की हो गई, तो इस तरह से मैं फिर कपड़े इस्त्री करती हूँ। पहले इस्त्री करने के बाद जो है ना मैं उनको अच्छे तरीके से पैक करके एक शॉपर में नेम के साथ रख देती हूँ, वहाँ जाके मैं रख देती हूँ, और वहाँ से जितने मुझे निकालने होते रखने होते तो फिर मैं इस तरह से इजीली निकालती रहती हूँ और रखती रहती हूँ ना। तो ये पैकिंग करना बड़ा मुश्किल होता है, कहीं जाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, यही मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ कि देखें कहीं जाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर आके भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो और मैंने कल क्या ख़रीदा है वो दिखाती हूँ। और जी कल जो है ना मैं गई थी मार्केट, और मार्केट से मैं लेने गई थी ये देखें, ये लिया है अचार, ये भी पंजाब लेके जाएंगे, हालांकि पंजाब में तो अचार होता ही है मगर वो लोग ये वाला अचार खाते हैं, तो इसलिए मैं लेके जा रही हूँ। और ये लेके जा रही हूँ मायोनीज़, ये लेके जा रही हूँ कैचअप्स, और बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह के, कैचअप वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, और भी बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें हैं। और ये हमारे टूथब्रश, टूथपेस्ट, शैम्पू, और हमारे बस ये सामान जो हमारा होता है रेगुलर, ये देखें ये सारा शैम्पू हो गया,
ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने ले ली हैं। वहाँ पर ना मुझे बहुत बुरा लगता है कोई चीज़ मांगते हुए ना, तो मैं अपनी चीज़ें देखें सर्फ भी लेके जा रही हूँ, अपना कुछ भी यानी बच्चों के गिलास वगैरह कुछ भी वॉश करना होता है ना, मैं हर चीज़ अपनी एक पर्सनल लेके जाती हूँ ताकि मुझे कुछ मांगना ना पड़े किसी से। और ये लिया था एक टिशू का बंडल, ये भी वहाँ पर लेके जाएंगे क्योंकि बच्चे बड़ा तंग करते हैं। और ये देखें जी मैंने अपने बैग में क्या रखा है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरी मेडिसिन सर के दर्द की। और वहाँ मुझे सर के दर्द की मेडिसिन ज़रूरी है, वहाँ पर ज़रूर खानी पड़ेगी क्योंकि दिन बहुत बड़े होते हैं और वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर इसलिए जो है ना बस ये लोशन वगैरह लिया है। और बस ये छोटी मोटी सी चीज़ें हैं और कुछ भी खास नहीं है, बस ये लोशन हो गया फासिया का बस। और ये सामान जो है ना अन्नू का है, अन्नू का यानी अन्नू का शॉपर, ये बड़ा वाला शॉपर, उसके सारे कपड़े हैं ये। और नीचे कुछ सामान जो पंजाब लेके जाना है यानी बेडशीट्स वगैरह जो मैंने ख़रीदी हैं वो लेके जा रही हूँ, और बस यही चीज़ें लेके जा रही हूँ। कुछ सामान उस कमरे में पड़ा हुआ है वो भी उठाऊँगी। बस मेरी ये है शॉपर, मामा लिखा है फासिया ने, तो बस यही चीज़ें हैं, ये सदीम की हो गई। तो बस आज का जो है ना अभी ये सारा किचन का वाइंड अप करवाती हूँ अब बच्ची से, और वो सफाई करेगी, और ये सामान जो है ना बैग के अंदर डालना शुरू करूँगी। अगर अभी टाइम मिला तो अभी करूँगी, वरना मैं करूँगी अफ्तारी के बाद। और फिर अफ्तारी के बाद ये होगा कि बच्चों के बालों की कटिंग करवानी है, मीसब और सतीम की वो करवानी है। वो बालों की कटिंग जब हो जाएगी ज़ाहिर है फिर बच्चों को नहलाना पड़ेगा दोबारा से, फिर सुला देंगे, और सुबह सैरी के टाइम बच्चों को उठा के फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह सैरी करने के फौरन बाद हम निकल जाएंगे, क्योंकि फिर हमें टाइम से पहुंचना भी होगा और ईद का सीज़न है, रश बहुत ज़्यादा होगा सड़कों पर। और दुआ कीजिएगा खैर खैरियत से पहुंचूं मैं, और आगे क्या होता है अल्लाह मालिक है। इंशाल्लाह आप लोगों से सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूँगी, मैं कैसे यहाँ से भी जा रही हूँ वो भी दिखाऊँगी इंशाल्लाह, और पंजाब भी दिखाऊँगी। और अब वहाँ की सिचुएशन क्या होगी मुझे कुछ नहीं आइडिया, क्योंकि पिछली दफ़ा भी मैं गई थी तो कुछ खास मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, और अब जाके मेरे साथ क्या होता है अब का भी मुझे कुछ आइडिया नहीं, अब जाके देखना पड़ेगा। तो ये भी मेरा रीज़न था ना जाने का, क्योंकि वीडियो पे बड़ा असर पड़ता है। मैंने इतनी शदीद मेहनत की है और इस शदीद मेहनत के पीछे सिर्फ मेरी मेहनत है, क्योंकि डे नाइट हर चीज़ को फेस मैं ही कर रही हूँ, तो किसी को कुछ आइडिया नहीं है, ना मेरे हस्बैंड को ना मेरे किसी घर में किसी बंदे को। तो मैं नहीं चाहती कि मैंने इतनी मेहनत करके ज़ाया करूँ ना, तो कहीं आके स्टॉप कर दूँ। तो अभी जो है ना मोनेटाइज होने के बाद हमें और डबल मेहनत करनी है, और जिनके नए चैनल मोनेटाइज हो रहे हैं यमन के कंप्लीट हुआ है, तो अब असल मेहनत हमारी शुरू हुई है, अब हमारी असल मेहनत शुरू हुई है। पहले तो हम लोग ईजी होके फिर भी कर रहे थे ना, तो अब हमारी असल मेहनत शुरू हुई है, तो अब हमें जो है ना और स्ट्रगल करनी है ताकि हम लोग जो है कामयाब हों। और बस दुआ कर सकते हैं इस नेक महीने में, हर कोई एक दूसरे के लिए दुआ किया करें। तो चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।